ये बात तो आप हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच में खेला गया। ये मुकाबला नहीं महामुकाबला था, कई मायनों में मान और सम्मान की लड़ाई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो पिछली बार की रनर अप टीम रही थी वो किसी विनर से कम नहीं थी। और कई लोगों ने इस मुकाबले को नया आयाम दिया, क्योंकि इस मुकाबले में मान सम्मान की लड़ाई थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए तो झटका पहले ही लग गया, क्योंकि केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे और साथ में उनके प्रमुख गेंदबाज भी। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने बेस्ट टू बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ में उतरी। लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में जहां न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाज भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों पर हावी रहे, हम आपको बताएंगे कैसे। लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को कैसे रोमांचक अंदाज में खत्म किया, हम आपको पूरा हाईलाइट बताने वाले हैं और बताएंगे इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है और किस तरह से बड़े बदलाव उसमें आए हैं। चलिए एक एक करके आपको पूरा हाईलाइट बताते हैं और बताते हैं कैसे एक रोमांचक मुकाबले में और वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दी है इंग्लैंड क्रिकेट टीम को शिकस्त बड़े ही रोमांचक अंदाज में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडियन टीम के फैन तो वीडियो को करिए लाइक और कमेंट में बताएं इस साल फाइनल में आप किन दो टीमों को देखना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या रहा पॉइंट्स टेबल का हाल। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, जहां बताएंगे क्या कुछ रहा खास। सबसे पहले बता दें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेस्टो और डेविड मलान ओपनिंग करने आए और ओपनिंग भी काफी अच्छी करी, पावर प्ले को डोमिनेट करने का पूरा प्रयास किया। 40 रन तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया, लेकिन 40 रन पर पहला विकेट डेविड मलान के रूप में लगता है, जो 24 बॉल पर केवल 14 रन बनाते हैं और मैट हेनरी का शिकार बनते हैं। उसके बाद भी एक अच्छी पार्टनरशिप तो देखने को मिली, मगर छोटी, क्योंकि जॉनी बेस्टो भी शिकार हो गए मिचेल सैंडनर का। डैली मिचेल ने कैच लिया और जी हां, जॉनी बेस्टो 35 बॉल पर 33 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद एक छोटी पारी देखने को मिली जो रूट और हैरी ब्रुक की तरफ से, लेकिन हैरी ब्रुक 94 रन पर, जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का स्कोर था, तो अपना विकेट गवा देते हैं और हैरी ब्रुक भी 16 बॉल पर 25 रन की ही पारी खेल पाते हैं। उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम नियमित अंतराल पर विकेट गवाती गई, फिर चाहे मोइन अली हो वो भी चलते गए। एक तरफा चोर संभाल लिया था जो रूट ने, जो कि जाने जाते हैं पारी को बिल्ड करने के लिए। लेकिन 118 रन पर चौथा विकेट गंवाने के बाद जॉस बटलर और जो रूट ने अच्छी पारी करी और कहीं ना कहीं अच्छी पार्टनरशिप भी, लेकिन जॉस बटलर का किस्मत साथ न दे सकी। वो भी 42 बॉल पर 43 रन बनाकर चलते बने और इंग्लैंड को लगा 188 पर पांचवा विकेट जॉस बटलर के रूप में। उसके बाद 221 रन पर छठवा विकेट लिविंगस्टन के रूप में, 229 पे सातवा जो रूट, जो कि रिवर स्वीप लगाने की कोशिश में आउट हो गए और पवेलियन का रास्ता उन्हें दिखाया गया, और वो दिखाया गया ग्लेन फिलिप्स की तरफ से। 86 बॉल पर 77 रन की पारी जो रूट भी खेलते हैं। और इस तरह से इंग्लैंड क्रिकेट टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई, फिनिश अच्छा नहीं मिला, चाहे वो सैम करन हो या क्रेन वॉक्स, कुछ खास नहीं कर सके। तारीफ करनी होगी आदिल राशिद की कि आखिरी ओवरों में कुछ बड़े हिट लगाकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 282 रन के उस लक्ष्य तक पहुंचाया और 283 रन का लक्ष्य रख दिया गया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सामने। लगा कि एक रोमांचक मुकाबला होगा जहां देखने को मिलेगी फाइट इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से, क्योंकि विकेट आपने चटकाने थे नई गेंद से, और वैसा देखने को भी मिला। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जब इस लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो पहला विकेट जी हां सैम करन ने दूसरे ही ओवर में चटका दिया, विल यंग को बिना खाता खोले ही गोल्डन डक का शिकार कर दिया। और कहीं न कहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपना जो पहला विकेट गवाया था वो 10 रन पर ही गवा दिया, क्योंकि अब केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे तो दबाव था डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा पर। लेकिन इन दोनों की काबिले तारीफ करनी होगी, इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज इनका विकेट लगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा था। इन दोनों ने पहले 50 रन की पार्टनरशिप करी, फिर 100 रन की पार्टनरशिप करी, और हद तो देखिए इन दोनों ने 150 और फिर 200 की पार्टनरशिप करी, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली। इन दोनों की बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हर हथकंडा फीका नजर आ रहा था। उनका कोई भी गेंदबाज इन दोनों की पार्टनरशिप को तोड़ पाने में काफी हद तक नाकामयाब रहा। इन दोनों ने पहले डेविन कॉनवे ने अपना हाफ सेंचुरी, फिर सेंचुरी, और ऊपर से रचिन रविंद्रा ने भी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी, और इसके बाद इन दोनों ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी और कहीं न कहीं इन दोनों ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप कर दी कि वहां से इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया गया।
ये मुकाबला इतना एक तरफा रहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम केवल एक विकेट गंवाती है और 9 विकेट से इस मुकाबले को जीत जाती है। दरअसल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी। रचिन रविंद्रा ने न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे तेज शतक इस मुकाबले में लगाया है, जो कि इतिहास का सबसे तेज है। सेकंड तेज डेविन कॉनवे ने लगाया है, जो कि इतिहास का सबसे तेज है। डेविन कॉनवे ने 152 रन बनाए 121 बॉल पर और 96 बॉल पर 123 रन बनाए रचिन रविंद्रा ने। न्यूजीलैंड ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें हल्के में न लें और मानो न्यूजीलैंड ने उस हार का बदला एक तरफा मुकाबले में लिया है जो 2019 में उन्हें मिली थी। दरअसल उसके बाद जॉस बटलर काफी निराश नजर आए और मायूसी जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के उन खिलाड़ियों पर शाप देखी जा सकती है। मानो इतनी बड़ी शर्मनाक हार इंग्लैंड क्रिकेट टीम को थमाकर उन्हें कहीं न कहीं आईना दिखाया है। लेकिन इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे तो चूंकि राउंड रॉबिन ये मुकाबला खेला जा रहा है, मतलब 10 की 10 टीमें एक ही पॉइंट्स टेबल में रहेगी, तो न्यूजीलैंड फिलहाल पहले पायदान पर है और इंग्लैंड 10वें पायदान पर है और न्यूजीलैंड की नेट रन रेट काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है इस मुकाबले के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा।